इंडियन मार्केट की तीन सबसे बेहतरीन सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपको मिलती है 15,000 रुपए के नीचे। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इस वीडियो के अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए तीनों भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स आपको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमने ध्यान में रखकर इन तीनों भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स को आपके लिए सिलेक्ट किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला फैक्टर हमने ये ध्यान में रखा है कि हर एक रेफ्रिजरेटर की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर हमने ये ध्यान में रखा है कि हर एक रेफ्रिजरेटर का नॉइज कम होना चाहिए। तीसरी बात हमने ये ध्यान में रखी है कि हर एक रेफ्रिजरेटर आपको फास्टर कूलिंग प्रोवाइड करना चाहिए। चौथी बात हमने ये ध्यान में रखी है कि हर एक रेफ्रिजरेटर में आपको इनफ स्टोरेज स्पेस मिलना चाहिए। पांचवी बात हमने ये ध्यान में रखी है कि हर एक रेफ्रिजरेटर की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए। छठी बात हमने ये ध्यान में रखी है कि हर एक रेफ्रिजरेटर का वारंटी पीरियड लंबा होना चाहिए। सातवीं बात हमने कैपेसिटी को ध्यान में रखा है। हमने इस बात का ध्यान रखा है कि हर एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर 3 से लेकर 4 फैमिली मेम्बर्स के लिए सुटेबल होना चाहिए। आठवीं बात हमने एनर्जी रेटिंग्स को ध्यान में रखा है। नौवीं बात हमने इस बात का ध्यान रखा है कि हर एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, जिससे कि हर एक रेफ्रिजरेटर एनर्जी एफिशिएंट हो। और दसवीं और आखिरी बात हमने इस बात का ध्यान रखा है कि हर एक रेफ्रिजरेटर होम इन्वर्टर और सोलर पैनल पर काम करना चाहिए। सो इन 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हमने आपके लिए इन तीनों भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स को सिलेक्ट किया है। तो आइए अब हम अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 पर हमने रखा है वर्लपूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर को, जो आपको मिलता है 190 लीटर की कैपेसिटी में, यानी कि 2 से लेकर 4 फैमिली मेंबर्स के लिए ये रेफ्रिजरेटर एकदम सुटेबल है। इसकी एनर्जी स्टार रेटिंग्स है 3 स्टार और इसमें आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलता है, जो इस रेफ्रिजरेटर को हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस पर बिना किसी इंटरप्शन के काम करने में हेल्प करता है। बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर 130 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट के हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस पर बिना किसी स्टेबलाइजर की हेल्प से और बिना किसी परेशानी के काम कर सकता है। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप स्टेबलाइजर जरूर परचेस करें। इस सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पर आपको 2 डेडिकेटेड डोर रैक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आप 2 लीटर की 3 बॉटल्स और 1 लीटर की 5 बॉटल्स इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। ब्रांड आपको इस रेफ्रिजरेटर पर 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी प्रोवाइड करता है। इसमें आपको 2 टफन ग्लास शेल्फ्स मिलती हैं और इसमें आपको लार्ज वेजिटेबल बॉक्स भी मिलता है, जिसमें आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के साथ आपको एग ट्रे, आइस ट्रे और मेडिसिन ट्रे, ये तीनों भी एक्सेसरीज मिलती हैं। और इस सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वारंटी क्लेम करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर और सोलर पैनल दोनों भी डिवाइसेस पे काम करता है। इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है और वो ये है कि इसके बेस पर आपको वेजिटेबल ड्रॉवर नहीं मिलता, जिसमें आप पोटैटो, गार्लिक, ऑनियन ऐसे वेजिटेबल्स रख सकते हैं। इसी एक ड्रॉबैक की वजह से मैंने इस रेफ्रिजरेटर को नंबर 3 पे रखा है। वैसे ये रेफ्रिजरेटर काफ़ी अच्छा है, यह आपको 14,500 रुपये के आसपास मिलता है। आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 2 पर हमने रखा है गोदरेज सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर को, जो आपको मिलता है 180 लीटर की कैपेसिटी में और 4 स्टार रेटेड एनर्जी रेटिंग्स के साथ। इसमें भी आपको 2 टफन ग्लास शेल्फ्स और वेजिटेबल बॉक्स मिलता है। ब्रांड आपको इस रेफ्रिजरेटर पर 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, इसमें भी आपको 2 डेडिकेटेड डोर रैक्स मिलते हैं, जिसमें आप 1 लीटर की 8 बॉटल्स इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर में भी आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर 140 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट के हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस पर बिना किसी परेशानी के और बिना किसी रुकावट के आसानी से काम कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप स्टेबलाइजर जरूर परचेस करें सेफ्टी के लिए। फ्रेंड्स, इस सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के साथ आपको वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल, ये दोनों एक्सेसरीज मिलती हैं। और ये रेफ्रिजरेटर सोलर पैनल और होम इन्वर्टर दोनों भी डिवाइसेस पे काम करता है। इसका भी सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है और वो ये है कि इसमें भी आपको वेजिटेबल ड्रॉवर नहीं मिलता।
वैसे ये आपको 14,500 रुपये के आसपास मिलता है। आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो नंबर एक पर हमने रखा है लॉयड सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर को, जो आपको मिलता है 200 लीटर की कैपेसिटी में और 4-स्टार एनर्जी रेटिंग्स के साथ। इसमें भी आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट बनता है। ब्रांड आपको इस सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर पर 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 9 साल की कंप्रेसर वारंटी प्रोवाइड करता है। इसमें भी आपको 2 ग्लास शेल्फ्स और लार्ज वेजिटेबल बॉक्स मिलता है, और इसमें भी आपको 2 डेडिकेटेड डोर रैक्स मिलते हैं, और ये भी रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर और सोलार पैनल इन दोनों भी डिवाइसेस पे काम करता है। इसमें भी आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये रेफ्रिजरेटर हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस पर बिना किसी स्टेबलाइजर के और बिना किसी परेशानी के आसानी से काम कर सकता है। फ्रेंड्स, इस सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वारंटी क्लेम करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर के साथ आपको यूज़र मैनुअल, ये एकमात्र एक्सेसरीज मिलती है। फ्रेंड्स, इसमें आपको वेजिटेबल ड्रॉवर मिलता है, जो आपको पिछले 2 सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स में नहीं मिलता था। अब आइए मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने इस रेफ्रिजरेटर को नंबर एक पे क्यों रखा है और आपको इसके साथ ही क्यों जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये रेफ्रिजरेटर आपको सेम प्राइस में मिलता है, 14,500 रुपये के आसपास मिलता है, और इसी सेम प्राइस में आपको पिछले 2 सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स भी मिलते थे। लेकिन उन दोनों भी रेफ्रिजरेटर्स की कैपेसिटी इस रेफ्रिजरेटर के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। यह आपको 200 लीटर में मिलता है और पिछले 2 सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स आपको 180 और 190 लीटर में मिलते हैं। इस रेफ्रिजरेटर में आपको वो सारे सेम फीचर्स मिलते हैं जो आपको पिछले 2 रेफ्रिजरेटर्स में मिलते थे, लेकिन इसमें आपको वेजिटेबल ड्रॉवर मिलता है, जो आपको पिछले 2 सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स में नहीं मिलता। सो इन्हीं सभी कारणों की वजह से मैंने इस रेफ्रिजरेटर को अपनी लिस्ट में नंबर एक पे रखा है, और मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसके साथ जाएं। फ्रेंड्स, इसकी भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।